नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैमल हैंगिंग DIY। इसके लिए मैंने कैमल का रफ स्केच रेडी कर लिया है, उसे आप कट कर लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको हैंगिंग बनाना है उतना बड़ा आप स्केच रेडी कर लेंगे। अब उसे अच्छे से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। पेपर कट करने के बाद आपको क्ले ले लेनी है। यहाँ पर मैं मोल्डिट यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप मोल्डिट यूज़ ना करना चाहें तो आप एमसील ले सकते हैं, एयर ड्राई क्ले ले सकते हैं कोई सी भी, या फिर होममेड क्ले बना सकते हैं। वॉल पुट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्डिट यूज़ की है। मोल्डिट या फिर एमसील के साथ काम करने के लिए आपको अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना पड़ता है, ऑयल से या फिर पाउडर से कोट कर लेना होता है। जिस बेस पर आप रख कर अपनी क्ले से वर्क करेंगे उसको भी आप पाउडर से कोट कर लेंगे। अब यहाँ पर रोटी की तरह हमें एक बड़ा सा पीस बेल लेना है, जिसके लिए आपको मैंने पेन का कवर यूज़ करा है। आप चाहें तो छोटा वाला बेलन यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों के टॉयज़ में निकलता है। जितना बड़ा आपको डिज़ाइन लेना है उतना बड़ा आप बेल लेंगे पीस, और उसे पेपर रख कर उसका मेज़रमेंट देख लेंगे कि वो उतना बड़ा बिला है या नहीं, और अगर आपको छोटा लगता है तो थोड़ा सा आप और बेल लेंगे। अब उसे पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करने के बाद पानी की हेल्प से आप इसके जो किनारे हैं उसे स्मूथ कर लेंगे, जिससे वो अनइवन ना लगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे हैंग करने के लिए होल भी बनाने हैं, तो वो आप इसी समय बना लेंगे, क्योंकि आपका जो कैमल है वो गीला है और सूखने के बाद इसमें होल नहीं हो सकते। तो जिस तरह आपको हैंग करना है, मैंने इसमें दो लूप बनाने के लिए हैंग करा है, क्योंकि ये डिसबैलेंस ना हो। अगर आपको इसे सेंटर से हैंग करना है तो आप सेंटर पर एक होल कर लेंगे और एक नीचे की तरफ कर लेंगे, अगर आपको नीचे भी इसमें हैंगिंग करनी है इसीलिए। अब जो बची हुई क्ले थी उससे हम छोटे छोटे इसके बाकी के हैंगिंग पार्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बेल जैसी बना रही हूँ, इसमें भी हम होल करते जाएंगे और पानी की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। इसकी जो अनइवन पार्ट है उसे मैं सीजर से कट करती जा रही हूँ। अब ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरह मैंने बीट्स बनाई हैं। अब यहाँ मैं बना रही हूँ बर्ड। इस तरह की हैंगिंग में बर्ड बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास DIY बनाते टाइम बहुत सारी या थोड़ी सी भी क्ले बचती है, तो मैं बहुत सारी बीट्स या बर्ड बनाकर रख लेती हूँ, जो आने वाले हैंगिंग बनाते टाइम मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, उस टाइम मुझे बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपकी थोड़ी बहुत क्ले बच जाती है, तो आप हैंगिंग के लिए बीट्स हैं या फिर सर्कल हैं या बर्ड है, इस तरह से बनाकर रख लें। और हाँ, याद से उसमें होल ज़रूर कर लें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं हैंगिंग के लिए, वो सब मैं बनाकर और उसमें होल कर ड्राई होने के लिए रखती जा रही हूँ।
अब हमारा जो कैमल है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, रेगमाल से उसे थोड़ा सा हम घिस लेंगे जिससे जो भी उसमें अनफिनिशिंग पार्ट है वो सब सही हो जाए और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखे। अब बारी है इसमें डिटेलिंग की, तो यहाँ पर मैं कैमल के दोनों साइड वर्क करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे सेंटर में हैंग करने के लिए बना रही हूँ। अगर आप सिर्फ एक ही साइड हैंग करने के लिए बना रहे हैं, जैसे हम वॉल पर हैंग करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका वन साइड दिखेगा, तो आपको सिर्फ वन साइड पेंट करना है। बैक साइड पर फिर आप कोई भी वन कलर कर सकते हैं या ब्लैक ब्राउन कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटर में हैंग करना है जैसे हम डोर पर हैंग कर देते हैं तो वहाँ पर आपको दोनों साइड वर्क करना है। प्राइमर का एक कोट कर लेंगे, मैंने वही प्राइमर यूज़ करा है जो हम वॉल पर यूज़ करते हैं, आप चाहें तो जैसो या फिर वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है कलरिंग की, तो चलिए कलर स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे भी मेरी वीडियो देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपको ये वाला DIY पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर जितने भी हैंगिंग के पार्ट हैं उन सबको कलर कर लेंगे और सभी में प्राइमर ज़रूर कर लीजिएगा याद से, जिससे आपका कलर भी कम लगेगा और फिनिशिंग अच्छे से आएगी।
तो यहाँ पर सारे पार्ट बनकर रेडी हैं हैंगिंग के। बोथ साइड से मैंने कलर कर लिया है बर्ड में, और जितने भी पार्ट है इस DIY के सब में मैंने बोथ साइड से कलर करा है। अब भी कह रही हूँ अगर आपको वन साइड से ही हैंग करना है तो आप सिर्फ एक ही साइड से हैंग करिए, एक ही साइड से कलर करिएगा, और अगर आपको सेंटर के लिए बनाना है तब आपको ज़रूरत है कि आप बोथ साइड कलर करें। तो सारी ये चीज़ें रेडी हैं, बस अब इन्हें अटैच करना है। अटैच करने के लिए मैंने वूल यूज़ करी है, आप चाहें तो जूट का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। होल करते समय इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस कि आप ऐसे होल करिए कि बहुत ज़्यादा उसमें थिन धागा ना जाए, क्योंकि ऊन या फिर जूट का धागा थोड़ा सा थिक होता है, तो उसी हिसाब से आप होल करिएगा जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। तो हमारा हैंगिंग बनकर रेडी है, तो बताइएगा कैसा लगा आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।